आज मैं आपको नशा मुक्ति के बारे में कुछ बोलने वाला हूं, स्पेशली शराब की नशा। देखो, शराब पीना ये कोई गलत नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आज हमारे समाज में, हमारे देश में जो पुरुष है, पुरुष वर्ग मतलब मेन, जिनकी उम्र 15 साल से 65 साल तक है, तो 15 से 65 साल के बीच वाले जो पुरुष वर्ग है, इसमें कम से कम 50% लोग ऐसे हैं कि जो कभी ना कभी अपने जीवन में शराब की टेस्ट लेते हैं, अलग अलग, भले बियर हो या और कोई शराब का प्रकार, उसकी टेस्ट लेते रहते कभी ना कभी। सोशल फंक्शंस में, मतलब कोई बड़ा फंक्शन है सोसाइटी का, तो सोशल फंक्शन में दोस्त लोग जमा हो जाते हैं, गैदरिंग है, स्नेह सम्मेलन है या कोई बड़ी पार्टी है, तो उसमें भी लोग वो वेट पार्टी करते रहते, शराब की पार्टी करते रहते, मतलब नॉनवेज लेना, मांसाहारी खाना खाना और शराब लेना है तो बहुत ही नॉर्मल है। कहीं कहीं समाज में तो ऐसा है कि यदि उनके शादियों में यदि आपने नॉनवेज मतलब मांसाहारी मांसाहार नॉनवेज चिकन या मटन और शराब ड्रिंक्स नहीं दिया तो वो बहुत गरीब लोग है या वो समाज के खिलाफ, मतलब जो पद्धति है, जो कल्चर है, उसके खिलाफ हुआ ऐसा माना जाता है। तो मतलब सोशल ड्रिंकिंग जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है कि सोशल ड्रिंकिंग लोग करते उसमें कोई प्रॉब्लम है या बिल्कुल नहीं है, और सरकार ने तो उसके लाइसेंस देते हैं, मतलब रेस्टोरेंट को लाइसेंस देते, बार एंड रेस्टोरेंट काफी सारे हम देखते रहते, हाईवे पे हम देखते रहते ढाबे, वहां लोगों ने अपनी शराब की दुकान चालू की है तो शराब की मतलब ढाबे चालू किए, तो वहां बार एंड रेस्टोरेंट हुए, वहां खाना खाते शराब पीते, कोई सिर्फ शराब की दुकान है वहां लोग जाके शराब खरीदते पीते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट ने तो होटल्स में वगैरह तो दिए, मतलब लाइसेंस दिए हुए और लोग पीते रहते, उसमें कोई गलत नहीं। प्रॉब्लम यह है कि 6 ऐसे सोशल ड्रिंकर जो है, 6 व्यक्ति, तो उसमें से एक व्यक्ति उसका आदि बन जाता है, उसका एडिक्ट बन जाता है, मतलब 6 व्यक्ति जो है, तो 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, मतलब 16% जो लोग है जो सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, वो कभी भी उसमें का एक व्यक्ति, मतलब 100 में से 16 लोग या 6 में से एक व्यक्ति कभी भी उसका आदि बन सकता है, हमको ये पता नहीं कि कौन सा एक व्यक्ति, मतलब इतना ज्यादा उसका प्रमाण हमारे देश में। मजदूर लोगों में तो 60-65% लोग शराब पीते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं उसमें भी यही हालत है। अब इसमें पीना कभी कभी सोशल ड्रिंकिंग करना कोई गलत नहीं है, मतलब उसका आदि होना गलत है। उसमें होता क्या है कि शराब जब पीते हैं तो शराब का असर पूरे बदन पे होता है, बॉडी पे होता है, लीवर खराब हो जाता है, ब्रेन के ऊपर उसका असर होता है, शराब पीने से उसका मस्तिष्क काम नहीं करता बराबर, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकता, शराब में बहुत कुछ बातें करेगा, बड़बड़ करेगा, वो शराब पीने के बाद में उसके मन के खिलाफ हो गया तो झगड़े मोल लेगा, और काफी सारी शारीरिक बीमारी, शरीर की बीमारी, बदन की बीमारी उसको शराब की वजह से होती रहती है। एक तो वो आदि हो गया तो इतना हो जाता है कि सुबह उठने के बाद में चाय या दूध पीने के बजाय वो शराब पीना ही चालू कर देता है, उसमें लीवर एक तो खराब हो जाता है, और लीवर जैसा हम बोलते कि वो हेडमास्टर अपने बॉडी का, अब लीवर खराब हो गया तो बाकी भी शरीर के अंदर के सब जो ऑर्गन्स है अलग 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 अलग, तो वो भी उसके जरिए फिर खराब होना चालू हो जाते हैं। जब आदि हो जाता है शराब का और उसने शराब कभी लिया नहीं एक दिन भी, तो उसको घबराहट हो जाती है, पसीना आता है, हाथ थर थर करना चालू हो जाते हैं, और उसको शराब की इतनी भूख लगती है कि शराब पिए बिना उसको जम देंगे, मतलब वो कैसा कैसा करने लगता है, उसको काम नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ ही सकता नहीं, कोई काम करने के लिए उसको ग्रोथ बोले पहले शराब पीने बाद में मैं जरा काम कर सकता, मतलब इतना हो जाता है उसको, तो विड्रॉल सिम्टम बहुत ज्यादा होता है। कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि शराब पिए बिना वो उठ भी सकते नहीं, एक बार शराब पी लिया फिर वो काम करना शुरू हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है।
कुछ लोग ऐसे कि वो ड्राइविंग ड्राइवर्स है जो शराब के आदि है, उनको शराब पिए बिना ड्राइव नहीं होते, जो वो काम कर रहे हैं वो इतने आदि हो जाते कि वो शराब पिए बिना उनका दिन ही चालू नहीं होता, क्योंकि वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से और ब्रेन के जरिए उसके ऊपर वो बहुत ही डिपेंडेंट हो जाते। अब ये शराब यदि पीते नहीं तो कुछ लोगों को इतनी सारी घबराहट बेचैनी होती है, तो कुछ लोगों को फिट्स भी आती है, झटके मिर्गी की बीमारी आती है, मतलब पीते नहीं तो, कुछ लोग पिए नहीं तो पागल हो जाते, कुछ लोग ज्यादा पीने के बाद में साल दो साल तीन साल के बाद में उनके ब्रेन के ऊपर असर होना चालू हो जाता है, याददाश्त नहीं रहती और ब्रेन के ऊपर असर होने के बाद में वो भी पागल हो सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 15-20 साल से पी रहे हैं और उनको वैसा कुछ नहीं है, मगर वो काफी सारा पैसा उसमें बर्बाद कर चुके हैं और काम पे जाते नहीं है, छुट्टियां लेते हैं, तनख्वाह हाथ में आती नहीं है, या पूरा धंधा बर्बाद हो जाता है और धीरे 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 वो दुर्गतियां उनकी शुरू हो जाती है, समाज में आना जाना बंद हो जाता है, घर में झंझट झगड़े हो जाते हैं, किससे पट्टी नहीं है, ज्यादा पीने के बाद में खाना नहीं खाएंगे, उल्टियां हो जाएंगी, और फिर खाना नहीं खाया तो फिर अलग 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 शारीरिक बीमारी उनको होना शुरू हो जाती है। हर व्यक्ति को जो शराबी है उसको हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं तो क्या एक मिनट में शराब छोड़ दूंगा, मेरे दिमाग में आ जाएगा ना तो एक दिन में मैं शराब छोड़ूंगा, ऐसा बोलते रहे, वो शराब छोड़ने का उनको दिमाग में आता ही नहीं। उसमें से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने पिछले साल में 4 महीने शराब छोड़ दिया तो मैं शराब छोड़ सकता हूं, कभी भी मैं दिमाग में लूंगा ना मेरे मन में लूंगा तो शराब छोड़ दूंगा, मगर ऐसा हरदम बोलते हैं कि शराबी होना या नशा करना, नशा नशा का आदि हो जाना, ये पूरी जिंदगी की बीमारी है। जैसा शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज की बीमारी होती है, और एक बार बीमारी हो गई तो जिंदगी भर डायबिटिक रहता है, वैसा एक बार वो अल्कोहलिक हो गया, एक बार वो शराबी हो गया तो जिंदगी भर वो बीमार रहता है। क्यों? क्योंकि एक बार इलाज किया, छोड़ दिया शराब, वो कभी भी फिर से चालू कर सकता है। तो कभी भी फिर से जब चालू कर सकता है शराब पीना, इसका मतलब एक बार भी छोड़ दिया तो कंटिन्यूअसली कायम उसके ऊपर वॉच करना, देखरेख करना बहुत जरूरी है ताकि वो शराब फिर से पिएगा। तो इसका इलाज क्या है? एक तो वो खुद व्यक्ति कभी आता है हमारे पास में कि मेरे को शराब छोड़ने का, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर उसका इलाज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मेरा इलाज करो। दूसरा, काफी सारे व्यक्तियों को लाया जाता है जबरदस्ती पकड़ पकड़, उनको शराब पिला पिला के हमारे पास में लाते कि इसकी शराब छुड़वाओ। अब ये व्यक्ति का इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका उसको पहले मोटिवेट करना शराब छोड़ने के लिए, उसके मन की तैयारी करना, कि वो तैयार नहीं रहता शराब छोड़ने के लिए, बोलता मेरे को शराब छोड़नी नहीं है, और एक बार तैयारी हो गई मन की, बाद में शराब छुड़वाना। जो लोग तैयार नहीं रहते हैं तो उनके लिए उनके घर के लोग हमारे पास में आते हैं, दवाई लेके जाते हैं और उनको बिना बोले उनके अनाज में, खाने में या दूध में, काय में भी कोई भी शराब, मतलब शरबत में उनको दवाई पिला के वो शराब से मुक्त हो सकता। ऐसी दवाइयां हैं कि उनको देते हैं ना, धीरे 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 उनकी इच्छा ही कम हो जाती है, या फिर उनको वो दवाई लेने से ऐसा होता है कि शराब लिया दवाई के ऊपर तो उनको उल्टियां आना शुरू हो जाती है, और उल्टियों से वो इतने परेशान होते हैं कि उनको धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि भाई अभी मैं आजकल शराब पीता हूं ना तो मुझे उल्टियां होती है, तो इसलिए वो शराब छोड़ देते। कुछ लोग शराब छोड़ना पकड़ना चालू रखता है उनको, चालू रखते हैं, तो जब शराब छोड़ दिया तो दवाई बंद नहीं करनी, दवाई शुरू रखना पड़ता है। हम ऐसा बोलते कि साल दो साल वो दवाई दे दो। जो लोग खुद होके इलाज करने को तैयार है, उनको तपास के उनका लीवर खराब है तो उसके लिए दवाई, पेट में अल्सर वगैरह हो गए, एसिडिटी है तो उसके लिए दवाई, नींद नहीं आती उसके लिए दवाई, उनको फिट आ रही है तो उसके लिए दवाई। कुछ लोग बहुत शक करना चालू करते शराबी अवस्था, मतलब उनका खास तौर पर पत्नी के ऊपर शक होता है कि मेरी पत्नी आजकल मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे तरफ देखती नहीं है। होता क्या है कि शराब से उसकी सेक्स की इच्छा बढ़ती है मगर सेक्स नहीं कर सकती, सेक्स नहीं किया तो पत्नी को ऐसा लगता है कि अभी इनकी इच्छा तो होती है मगर सेक्स कर नहीं सकते। धीरे धीरे पत्नी की इच्छा भी सेक्स करने में कम हो जाती। अब पत्नी की इच्छा सेक्स करने में कम हो गई तो व्यक्ति को लगता है कि देखो ये कहीं बाहर जाती है, बाहर इसका कोई तो भी संबंध है,
इसलिए मेरे साथ में वो संबंध रखती नहीं। पत्नी के ऊपर शक करना चालू कर देता है, पत्नी को घर में रहना मुश्किल हो जाता है, तभी फिर उसके लिए दवाई देना पड़ता है। तो फिट आती है तो फिट के लिए, शक है तो शक के लिए, नींद नहीं आती तो नींद के लिए, भूख नहीं है तो भूख के लिए, मतलब ऐसा पूरा उसका इलाज करके विटामिन देना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे विटामिन शराब पीने के बाद में कम हो जाते हैं, तो उसको विटामिन देना पड़ता है। और फिर उसका हम उसके बाद में मानसोपचार करते हैं। मानसोपचार मतलब फिर से आगे वो शराब ना चालू करे, इसके लिए साइकोथेरेपी, सम्मोहन उपचार, उसको सम्मोहन की अवस्था में जाके उसको फिर विजुअलाइज करने लगाना है कि भाई उसको क्या होता है कि शाम हो गई कि उसके पैर अचानक वो शराब की दुकान की ओर या बार की तरफ चालू हो जाते हैं, तो उस समय की कल्पना करना, और उस समय वो वैसी कल्पना करके जब शाम का समय वे सीधा घर पे आ रहे हैं, ऐसी कल्पना करके वो उसको प्रैक्टिस करवाना, ताकि उसका जो कंडीशनिंग हो गया तो एक एंकर बैठ गया है कि भाई शाम हो गई कि बार की तरफ जाना, वो सीधा घर पे आना चाहिए। उसके लिए उसको सम्मोहन उपचार में वो सजेशन हम देते रहते हैं, तो सम्मोहन उपचार करना। फिर फैमिली का सपोर्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि घर में झंझट रहती है, झगड़े रहते हैं, इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि सब लोगों को फंसाए रहते हैं लोग, तो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो उनका